नमस्कार, आई एम हरप्रीत कौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर लाइव एंड इंटरैक्टिव सेशन। जी हां, आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव सेशन और इंटरैक्टिव सेशन हमारे ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस सेशन को अब से कुछ ही देर में जब अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर, तो आप इसे NCERT ऑफिशियल पर भी देख पाएंगे। और साथ ही साथ ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज का सेशन हमारे किन स्टूडेंट्स के लिए है। आज का सेशन है हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पार्ट 2। इसका मतलब है कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक का पहला एक पार्ट कर चुके हैं और आज हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। हम समझेंगे, जानेंगे, एक थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप देखेंगे कि हमने पहले पार्ट में क्या सीखा और पार्ट 2 में हम क्या कवर करने वाले हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो हम आपको बता दें, ये सेशन लाइव एंड इंटरैक्टिव है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर नोट कर लीजिए, फोन नंबर है 8800440559। इसके अलावा आप हमें कर सकते हैं ईमेल। जी हाँ, हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@cieet.nic.in। और जैसे कि हम आपको बताते ही हैं कि हमारे सेशंस लाइव एंड इंटरैक्टिव होते हैं, पर साथ साथ अपने सजेशंस और फीडबैक भी आप हमें भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए हम आपको सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कराते हैं आज हमारी एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ हैं मिस सविता ग्राक। मैम, स्वागत है आपका हमारे सेशन में। जी हरप्रीत जी, नमस्कार जी, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार जी। हम आपको बताना चाहेंगे कि मैम जो है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं फ्रॉम गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से। तो अब हम इस सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि क्लास 10 के हमारे स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और टॉपिक है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पार्ट 2। सविता मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले तो आप हमें ये एक ब्रीफ में रिकैप दे दें कि हमने पार्ट 1 में क्या सीखा था, क्योंकि आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो पार्ट 1 का थोड़ा सा पार्ट हमारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स के लिए बताएं। जी है प्रीत जी, सो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स हम डिस्कस करते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या किया था। इन पार्ट 1 हमने डिस्कस की थी वेरियस 3D ज्योमेट्रिकल शेप्स। वेरियस शेप्स यानी कि हमने डिस्कस किया था अबाउट द शेप सिलेंडर, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द शेप कोन, हमने क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर और हेमिस्फीयर, इन सभी शेप्स का सरफेस एरिया क्या होता है और उसके भी डेप्थ में व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया एंड व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट दिस इन आवर प्रीवियस सेशन। सभी फॉर्मूलाज जो हैं वो एक बार हम दोबारा देख सकते हैं। दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। देन वी हैव डिस्कस्ड द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द शेप क्यूब। क्यूब इज डेफिनेटली अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। देन राइट सर्कुलर सिलेंडर, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज शोन हियर ऑन द स्क्रीन and the total surface area and curved surface area has also been mentioned here. We have discussed these two things earlier also and the volume of the same. Then if we talk about a hollow right circular cylinder, so if it is hollow, in that case we need to find the volume. We have discussed about that and if we need to find the total or curved surface area, humne iske bare mein bhi discuss kiya tha. Dear viewers, we have also discussed about the same, that is curved surface area, total surface area and volume of cone, sphere and hemisphere. Definitely, we have been told that surface area of a sphere is 4 pi r square. यानी कि स्फीयर के सरफेस एरिया में कभी भी आप ये नहीं कह सकते इट इज द कर्व सरफेस एरिया और द टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया में जो आपका मेजर डिफरेंस होता है वो यही है कि टोटल सरफेस एरिया जब आप कैलकुलेट करते हैं तो एट दैट टाइम आप फ्लैट जो भी शेप्स होती हैं उन सभी शेप्स का भी एरिया ऐड करते हैं। यानी आपके गिवन शेप का जो फ्लैट सरफेस है या फ्लैट फेस है उसका एरिया जब कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड कर दिया जाता है दैट बिकम्स द टोटल सरफेस एरिया। बट इन केस ऑफ अ स्फीयर हमें साफ दिखाई देता है कि दैट स्फीयर डू नॉट हैव एनी फ्लैट सरफेस। तो जब फ्लैट सरफेस ही नहीं है, इट इज ऑल राउंड इन शेप, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कोई अलग अलग चीजें नहीं है। इट्स सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट अ फ्यू शेप्स इन आर डेली लाइफ विच वी सी और जो हमारी डेफिनेटली 3D ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं।
क्योंकि अभी हम क्लास 10th में हैं, सरफेस एरिया से रिलेटेड टॉपिक जो है हमारे व्यूअर्स क्लास 8th और क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हुए वी विल डिस्कस मोर अबाउट द कंबाइंड शेप्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कंबाइंड शेप्स, यानी कि कोई भी ऐसी शेप जो एक से ज्यादा ज्योमेट्रिकल शेप्स को मिलाकर बनी है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, द फर्स्ट वन, दिस इज एन आइसक्रीम कोन, और आइसक्रीम कोन में आप ऑब्जर्व करें, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ज्योमेट्रिकल शेप्स, एंड द फर्स्ट शेप इज अ कोन एंड द अदर शेप इज अ हेमिस्फीयर। ऑलराइट, सो इफ आई वांट टू आस्क यू द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम फिल्ड इन दिस कोन, सो व्हाट विल बी दैट वॉल्यूम, इफ आई एम ऑलरेडी गिवन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस आइसक्रीम इज फिल्ड इन द होल कोन ऑल्सो, okay, then what is the volume of that ice cream? That will definitely be the volume of the cone plus the volume of the hemisphere. तो इस तरह से हमें सोचना है कहां पर क्या चीज प्लस करनी पड़ रही है, कहां पर क्या चीज माइनस करनी पड़ रही है। लेट अस डिस्कस वन मोर शेप विच इज अ टेंट। ओके, दिस इज अ सर्कस टेंट, और सर्कस टेंट में हमारे पास क्लियरली हम देख सकते हैं, आप विजुअलाइज कीजिए इसे इन योर डेली लाइफ, दैट दिस इज सिलेंड्रिकल इन शेप, और जो इसका सीलिंग है पार्ट है, रूफ वाला पार्ट है, वो क्या है, दैट इज कोनिकल इन शेप। दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ टू 3D ज्योमेट्रिकल शेप्स, द फर्स्ट वन इज अ सिलेंडर एंड द अदर इज अ कोन, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू शेप्स। हियर इज अ कैप्सूल, यू कैन सी दैट दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, of a cylinder in between and two hemispheres. So it is the combination of three shapes. The first one is a hemisphere, the second one is a cylinder which is right circular, and the third is again a hemisphere. And the tangential, this is also the combination of a cone and a hemisphere. तो जब हमें पता होगा कि कौन सी शेप हमारी किन दो शेप्स या किन थ्री शेप से मिलकर बनी है, उसके बाद ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे द वॉल्यूम ऑफ द होल शेप और द सरफेस एरिया ऑफ द होल शेप। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी था, और अभी हम जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कि आपको समझना भी है कि प्लस हो रही है कोई चीज या माइनस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं इस गिवन क्वेश्चन की, जी, 1 मिनट, वी आर जस्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर व्यूअर्स टू जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन वंस। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी कैन रीड द क्वेश्चन फॉर द व्यूअर्स, मैम। यस मैम। Okay. So let us discuss this question. Let us discuss this question together. Yes. The question is, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. तो हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, there are two cubes, the first and the second. दोनों ही क्यूब्स की जो एज गिवन है, that is given to be A. And we have to find the total surface area of the resulting cuboid. Okay? So here is the resulting cuboid, और इस cuboid की जो length है, that is changing now, that is becoming A plus A. So what does that mean? A plus A means 2A. This is the length, this is the breadth, and if we talk about the height is also A. यानी आपकी breadth और height में कोई भी change नहीं हुआ है, only and only one thing is getting changed, and what that thing is? That thing is definitely the length of this. Okay, now let us proceed ahead. Now राइट, सो वी कैन सी कि कितने इंपॉर्टेंट हैं इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी फॉर्मूलाज आपको बताए जाते हैं, मेक श्योर कि आप उन फॉर्मूलाज को सिर्फ याद नहीं करें बल्कि समझें, बिकॉज फॉर्मूलाज जब डिराइव किए जाते हैं तो उससे पहले भी कुछ चीज़ें आप समझते हैं, आप सरफेस एरिया देखते हैं, वॉल्यूम क्या होता है वो समझते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट क्रैमिंग अबाउट एनीथिंग दैट इज़ हैपनिंग, बट इट्स ऑल्सो अबाउट रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज।
आई एम श्योर कि आपने जो पार्ट वन जब किया तो उसमें आपने कई चीज़ें सीखी होंगी. अगर आपको लगता है कि पार्ट टू में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अभी नहीं समझ आ रहे हैं, व्हाट यू कैन डू, आप पार्ट वन का जो हमारा सेशन हुआ था उसका जो रिपीट है, बिल्कुल वो सेशन अपलोड हुआ है यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल पर, तो आप उस सेशन का जो रिपीट वेबकास्ट है वो देख सकते हैं. क्योंकि अगर एक बेसिक सब चीज स्टार्ट नहीं करेंगे तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा. एंड ऑल्सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आप NCERT की टेक्स्ट बुक्स में अपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं, सोल्यूशंस देख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कुछ रेफरेंस बुक्स यूज़ करना चाहें तो आप उनको भी यूज़ किया जा सकता है. सो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पार्ट टू की. हम कोशिश करेंगे इसको कवर किया जाए, बट अगर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो रह जाती हैं, आप डेफिनेटली हमें ईमेल कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@cieet.nic.in. एंड नॉट जस्ट ईमेल, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा हर सेशन जो है YouTube पर लाइव चलता है. बट इस वक्त क्योंकि आप हमें YouTube पर लाइव नहीं देख पा रहे हैं, बट जब ये सेशन अपलोड होगा ऑब्वियसली यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ द सेम. हम वापस मैम के पास चलते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं. और हेलो मैम, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ हरप्रीत जी. तो मैम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या फॉर्मूलाज आप हमें एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है. जी बिल्कुल. सो हम डिस्कस कर रहे थे दैट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज गिवन टू अस व्हिच इज 64, ड्यू टू व्हिच वी आर एबल टू गेट द एज ऑफ द क्यूब इज 4, क्योंकि हमें पता है 64 इज इक्वल टू 4 क्यूब. एंड देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. और अपने प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डेफिनेटली 2 × LB + BH + HL. सो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ L व्हिच इज 8 cm, द ब्रेथ इज 4 cm एंड द हाइट इज अगेन 4 cm. क्योंकि उन दोनों की दोनों जो हमारे पास एजेस हैं इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया, दोनों क्यूब्स को ज्वाइन करने पर ओनली एक ही एज में चेंजेस आए हैं एंड दैट बिकम्स 8 cm. नाउ यू विल जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज हियर एंड वी आर एबल टू गेट दैट इट इज 8 × 4 + breadth × height + height × length. ऑन सॉल्विंग द सेम बाय अप्लाइंग द बोटमास फॉर्मूला आवर व्यूअर्स विल बी एबल टू गेट द आंसर of this question. And definitely dear viewers, आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही अपने आंसर को देना है, यानी कि जब भी हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं दैट विल बी इन द यूनिट यूनिट स्क्वायर. एंड देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट, क्योंकि जब भी आप एरिया कैलकुलेट करेंगे यू विल बी एबल टू फाइंड L × B, B × H, और यू विल बी एबल टू फाइंड दैट टू थिंग्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड विद ईच अदर हैविंग द सेम यूनिट सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर. So that becomes centimeter square. Now let us discuss the next question. And the next question is, a circular tent is in the form of a right circular cylinder. जैसा कि भी हमने shape को discuss भी किया था कि ये जो tent है, this is in the shape of a cylinder and a cone above it. And the diameter and the height of the cylindrical part are given to be 126 meter and 5 meter. That means the radius for this is definitely 63 meter and the height for the same is 5 meter. Because specially mention hai ki ye jo hamare paas diameter aur height hai ye cylindrical portion ki hai. Aage padhte hain hum statement. It is the total height of the tent. The total height of the tent is given to be 21 meter. To agar aapke tent ki total height hai 21 meter और 5 मीटर इज द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, यानी कि जो कोनिकल पोर्शन है उसके लिए हाइट कितनी होगी, दैट विल बी 21 - 5 व्हिच इज 16 मीटर. एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टेंट इफ द कैनवास यूज्ड कॉस्ट रुपीज 12 पर स्क्वायर मीटर. ओके, द कॉस्ट इज गिवन टू बी रुपीज 12 पर स्क्वायर मीटर. डेफिनेटली जिस भी मटेरियल से हमारा ये टेंट बन रहा है दैट इज कवरिंग द सरफेस एरिया नॉट द वॉल्यूम. हमें इस चीज को ध्यान से समझना है कि आपने अगर किसी भी कपड़े से या किसी भी चीज से टेंटिंग आप कर रहे हो, आप कैनवेस यूज कर रहे हो, तो वो आपके सरफेस एरिया पर लग रहा है. वॉल्यूम इज द प्लेस जहां पर ऑडियंस बैठ रही है या जहां पर एयर है अंदर. ओके, एयर इज कवरिंग द वॉल्यूम एंड
This is the surface area. So the question is demanding for the total cost. और अगर कुछ व्यूअर्स को समझ नहीं आता कि मुझे सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है या फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, सबसे पहली बात तो आपको एप्लीकेशन पार्ट पर ही जाना है. आप जैसे ही सोचेंगे, फॉर एग्जांपल, इफ आई एम हैविंग अ सिलेंड्रिकल वेसल इन माय हैंड, दिस इज अ सिलेंड्रिकल वेसल, और अगर मैं इसे हैंडल करती हूँ, पकड़ती हूँ, तो द पोर्शन विच आई एम हैंडलिंग, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल. ओके और अगर मुझे इस वेसल के अंदर पानी डालना है, तो पानी आप कहाँ डाल रहे हैं, या कोई भी लिक्विड आप डाल रहे हैं, वो आप इसकी वॉल्यूम में डाल रहे हैं. तो हमें इस चीज को समझना है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो अब इससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, इवन क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप सरफेस एरिया निकालें या वॉल्यूम निकालें. सो आपको क्लियरली क्लियर हो रहा है कि हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉनिकल टिन. सो व्हाट इज दिस सरफेस एरिया? डेफिनेटली you will have to take the curved surface area of the cylindrical portion and the curved surface area of the conical portion. Okay? एक और चीज है मैथमेटिकली, ये जो यहां पर मेंशन किया गया है, the cost is rupees 12 per square meter. So ये square meter आपको क्लियर कर देता है कि square minute is the meter is the unit for the surface area. यानी हमें इस question में जो calculate करना है, that is what, that is the surface area. Now you know that the curved surface area of a cylinder is 2 pi r h and the curved surface area of a cone is pi r l. Definitely l का मतलब है slant height of the cone. आपके पास स्ट्रेट हाइट है कोन की, विच इज 16. आपके पास रेडियस है, बट स्लैंट हाइट इज नॉट गिवन टू अस. सो डेफिनेटली सबसे पहले आपको स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी है, एंड योर स्लैंट हाइट विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू, वी विल बी एबल टू पुट ऑल द वैल्यूज हियर. आपके पास रेडियस है, आपके पास हाइट ऑफ द सिलेंडर है, यू आर हैविंग द रेडियस ऑफ द कोन विच इज सेम एज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एंड स्लैंट हाइट इज डेफिनेटली अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 16 स्क्वायर, विच इज द स्क्वायर ऑफ 16 एंड विच इज डेफिनेटली 256. ऑन कैलकुलेटिंग, ऑन एडिंग दीज, यू पीपल आर गेटिंग 281 स्क्वायर रूट. दिस इज द वैल्यू ऑफ एल. We will put all the values in the particular formula and we will be able to get the answer. Dear viewers, अगर आप pi की value in the last put करते हैं, that will be quite helpful to you people. और pi is either 22 upon 7 or 3.14. If there is nothing mentioned, you can use any value. Most of the time, we use 22 upon 7 as the value. All right? Now let us discuss further. Yeah, there is a question. You need to understand this question very carefully, क्योंकि आपको question को देख कर लगेगा कि शायद हमें यहाँ पर surface areas को minus करना है. लेकिन हम बहुत interesting चीज़ यहाँ से सीखने वाले हैं. Let us be connected और इसे बहुत ध्यान से हम समझें. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. First of all, this is a cylinder. ओके और सिलेंडर से क्या किया है हमने, दोनों ही तरफ से एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन, अपर साइड से भी और लोअर साइड से भी एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन जो है वो कट किया है, स्कूप आउट किया है. जैसा कि आप शेप में भी देख पा रहे हैं, फ्रॉम बोथ ऑफ द एंड्स ऑफ द हेमिस्फीयर, एंड इट इज गिवन दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर. अगर आपकी हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है, सो क्या हेमिस्फेरिकल स्कूपिंग आउट करने पर, हेमिस्फेरिकल शेप्स को निकालने पर उस हाइट में कोई भी डिफरेंस आ रहा है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि हाइट जो है दैट इज एंड टू एंड, दैट इज स्टिल रिमेनिंग द सेम, विच इज 10 सेंटीमीटर. एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट इट्स बेस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर. बेस रेडियस मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर, विच इज गिवन टू बी 3.5 सेंटीमीटर. राइट मैम. मैम वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हमको सेशन यहाँ पर रैप अप करना होगा. एंड आई एम श्योर कि अगर कुछ होमवर्क है जो आप बहुत जल्दी बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, बिकॉज वी जस्ट नॉट हैव इनफ टाइम लेफ्ट इन द सेशन. जी जी है, जी जी बिल्कुल. और मुझे बहुत ही मैजिकल सी चीज बस यहाँ पर बतानी है, विद इन अ सेकेंड हमारे व्यूअर्स को क्लियर हो जाएगा. देखिए व्यूअर्स, आपने जब इसको काटा, ही इज आस्किंग फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है.
आप सोचेंगे कि शायद टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, डेफिनेटली ये आपको देना है। लेकिन आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि हम माइनस करेंगे दोनों हेमिस्फीयर्स का सीएस से, आपको प्लस करना होगा। देयर इज अ रीजन, जब आपने इसे स्कूप आउट किया आप इस पोर्शन को ऐसा टच कर पा रहे हैं, राइट, इसके अंदर के पोर्शन को ऐसा टच कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेंट ब्रश या आप कुछ भी अपने माइंड में इमेजिनेशन रखें, तो ऑल द थिंग्स विच यू कैन टच दैट विल बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड। अगर वो ब्यूम की बात करता तो आप सब्ट्रैक्ट करते, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेशन, वी वर रियली ग्लैड टू हैव यू हियर, थैंक यू सो मच। And viewers and students, that was a session for class 10, Mathematics and Surface Areas and Volumes, part 2 was the topic we were discussing. लेकिन अब इसे हम session को यहीं पर समाप्त करेंगे, जी हाँ, wrap up करेंगे, बट आपको बता दें कि अगला जो live and interactive session है वो होगा उर्दू विषय पर, और उसका topic रहेगा नज्म एक आरजू। तो जल्दी मिलते हैं आपसे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और मुझे फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।